भारत के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख एक काला अध्याय है, जिसका जिक्र होते ही मन उदास हो जाता है। ये वो दिन है जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वो दिन है जब देश की एक बेटी को 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दरअसल हम निर्भया कांड की बात कर रहे हैं, जो आज ही के दिन हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निर्भया दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया था। लोगों के अंदर इस घटना को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश था कि वो प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। आज निर्भया केस को 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी निर्भया के आंसू, उसकी तड़प, उसके माता पिता के साथ पूरे देश को याद होंगे। इस घटना के बाद देश भर में लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर के लोगों ने सड़कों पर उतर कर आवाज उठाई। पुलिस ने निर्भया कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 दिसंबर 2012 को मुख्य आरोपी और बस चालक राम सिंह सहित 4 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में बस ड्राइवर राम सिंह, विनय गुप्ता, पवन सिंह गुप्ता, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर और एक अन्य नाबालिग शामिल थे। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली और नाबालिग को 3 साल की सजा हुई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह तड़के 5:30 बजे निर्भया के 4 आरोपियों को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद सरकार ने कानूनी सुधार और यौन हिंसा को कम करने के अन्य तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। जस्टिस वर्मा समिति को 80,000 सिफारिशें प्राप्त हुई। व्यापक विचार विमर्श किया गया और दुनिया भर के कानूनों और शोधों का हवाला दिया गया। इस घटना के बाद छेड़छाड़ और दूसरे तरीकों से यौन शोषण को भी दुष्कर्म में शामिल किया गया। संसद में नया जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ और पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।